आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शनिवार 15 अगस्त 2020 को सुबह सवेरे आपका स्वागत है। कोरोना काल में ऐसा पहली बार आजादी के बाद संभवतः हुआ होगा कि कोरोना काल के चलते स्वाधीनता दिवस पूरे धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा सका है। स्वाधीनता दिवस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के हिसाब से जिलाधिकारी कार्यालय में एक सादे समारोह का आयोजन किया जाकर स्वाधीनता दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के द्वारा सलामी ली गई, ध्वजारोहण किया गया। ये जिलाधिकारी कार्यालय का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में अब मुख्य समारोह के पहले के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सांड, आवारा सांड बैठा हुआ है, एक बछड़ा बैठा हुआ, श्वान भी घूम रहे हैं। ये स्थितियाँ तब हैं जब जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग नगर पालिका परिषद के बतौर प्रशासक पदस्थ थे। यहाँ आप देखे, आपने देखा दो श्वान बैठे हुए थे, एक आवारा सांड यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा एक बछड़ा और दिख रहा है। श्वान देखिए किस तरह से यहाँ घूम रहे हैं। नगर पालिका परिषद आवारा पशुओं को शहर से बाहर करने की बात कहती है। आवारा पशुओं को शहर से बाहर करने के निर्देश बार बार दिए जाने के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये देखिए ये सज्जन जो खड़े हुए हैं, जिनकी पीड़े इनके हाथ, अभी हम आपको और करीब से दिखाते हैं। ये देखिए ये एक श्वान आके इनके हाथ के पास हाथ चाटने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप यहाँ पर ये श्वान ने इनका हाथ चाटा। अब ये इसको क्या कहा जाएगा, नगर पालिका परिषद किस तरह की कार्यप्रणाली को अख्तियार किए हुए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है यहाँ मुख्य समारोह होना, और मुख्य समारोह में ही अगर इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिले, आवारा मवेशी आवारा श्वान अगर वहां दिख रहे हैं, इसके बाद भी नगर पालिका परिषद की मशकें जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग कस ना पाए, तो ये इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं कही जा सकती है। ये प्रमाण ही पर्याप्त है कि आप देख सकते हैं दो आवारा पशु और दो आवारा मवेशी और दो आवारा श्वान यहां पर दिख रहे हैं। इसके बाद ये आखिर नगर पालिका परिषद के आवारा मवेशी आवारा श्वानों को शहर से बाहर खदेड़ने के दावों की कलई ये होलता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सीनियर ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। जिलाधिकारी कार्यालय का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, शनिवार 15 अगस्त 2020 का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में 15 अगस्त 2020 को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 अगस्त 2020 का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आवारा मवेशी, दो आवारा मवेशी, दो आवारा श्वान उस स्थान पर दिख रहे हैं। ये देखिए दूसरे एंगल से हम दिखा रहे हैं, उस स्थान पर दिख रहे हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये ई गवर्नेंस ऑफिस आपको दिख रहा है, जिलाधिकारी कार्यालय का मुख्य द्वार भी आपको दिख रहा है। यहाँ सड़क के बीचों बीच आवारा मवेशी और श्वान बैठे हुए हैं। यहीं इसी स्थान पर स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह, जिला स्तरीय मुख्य समारोह संपन्न होना है। सिवनी जिले की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का नज़ारा यहाँ है ये आप देख सकते हैं। ये जिलाधिकारी कार्यालय का मुख्य द्वार भी दिख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हम आपको जो दिखा रहे हैं आप स्वयं देख सकते हैं। ये जिलाधिकारी कार्यालय से के ठीक सामने जहां मुख्य, ये आप देख सकते हैं यहां पर शहीद स्मारक भी बना हुआ है। शहीद स्मारक से महज 4 से 5 मीटर दूरी पर ये आवारा श्वान आवारा मवेशी आप देख सकते हैं। नगर पालिका परिषद के खिलाफ कार्रवाई करने से पता नहीं जिला प्रशासन कतराता क्यों दिखता। आज की नहीं, सदा से ही ये स्थितियां रही हैं, सदा से ही ये
परंपराएं रही हैं, जिलाधिकारी चाहे जो भी यहाँ सिवनी में पदस्थ रहे हों, सभी के द्वारा नगर पालिका परिषद को सदा ही उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है और नगर पालिका परिषद को हमेशा क्षमा ही किया जाता रहा है, पर शिशुपाल और श्री कृष्ण की तरह कहीं कभी तो ये क्षमा के बाद नागरिकों की सुद लेना चाहिए, जिला प्रशासन को लेना ही पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नगर कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी संभवतः पहुँचने वाले हैं, जिलाधिकारी के पहुँचने के बाद मुख्य कार्यक्रम आरंभ होगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ ये आबकारी अधिकारी कार्यालय, आपको पार्श्व में पीछे जो खप्पर वाला छत दिख रही है वो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय है। इसके जो यहाँ जो पीछे आपको दिख रहा है, पीछे जिला न्यायालय और कैंटीन यहाँ पीछे है, आप देख सकते हैं नगर में जिला मुख्यालय में स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह अब यहाँ आयोजित होने वाला है। समारोह आरंभ हो गया है पर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। ये परेड की तैयारी अब आरंभ हुई, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग पहुँच चुके हैं। आप देखिए जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा ये ध्वजारोहण किया गया। 15 अगस्त 2020 को कोरोना काल में बहुत सादगी के साथ ये ध्वजारोहण हुआ है और अतिरिक्त जिलाधिकारी रानी बाटल भी वहाँ मौजूद हैं। आप ये देखिए जिलाधिकारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और जिलाधिकारी कार्यालय की छत पर भी एक कार्यालय सहायक के द्वारा खड़े होकर आप देख सकते हैं, कार्यालय सहायक भी ऊपर खड़े हुए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप देखिए जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग सलामी ले रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है, ये देखिए ऊपर हम आपको 15 अगस्त 2020 का नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत ही सीमित मात्रा में लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, पर यहां एक बात, विशेष बात जो हमने आपको पहले दिखाई, मुख्य समारोह के स्थल पर आवारा मवेशी और आवारा श्वान जिस तरीके से दिख रहे थे उन्हें देखकर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी नगरपालिका परिषद में चुनी हुई परिषद नहीं है, उसके बजाय जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ही बतौर प्रशासक पदस्थ हैं। उन्हें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, जिस तरीके से सिवनी में सामाजिक दूरी शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, सिवनी शहर में सिवनी जिले में ही हम कहा मान लें कि पूरे जिले भर में मास्क का उपयोग लोग उस तरह से नहीं कर रहे। देखिए ये अब शांति के प्रतीक गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, रानी बाटल के हाथ में भी गुब्बारे दिए गए, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा ये गुब्बारों को हवा में उड़ा दिया गया। ये देखिए सारे गुब्बारे उड़कर गगन की ओर जा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य, बादलों के बीच फव्वारे, जितने गुब्बारे थे वे सारे गुब्बारे उड़ते हुए हवा में। तो हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से सिवनी शहर में आवारा मवेशी हैं, आवारा श्वान हैं, सुअर हैं, इसके अलावा मास्क का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है, शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा, उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिलाधिकारी सख्त कदम उठाएँ, खुद औचक निरीक्षण करें। ये अब शहीदों को श्रद्धांजलि देने जिलाधिकारी स्वयं जा रहे हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने के उपरांत
ये देखिए वे लौट रहे हैं शहीद, शहीदों को श्रद्धांजलि। अब ये रानी बाटल वहाँ पर जा रही हैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। तो हम आपसे बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि आवारा श्वान, आवारा मवेशी, सुअर आदि के संबंध में जिलाधिकारी को सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मास्क का उपयोग लोग नहीं कर रहे, जितने भी निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए जा रहे हैं, हालात ये बता रहे हैं कि सब सिर्फ उनके अधीनस्थ कर्मचारी, मातहत अधिकारी, सब उस सबको महज रस्म अदायगी में ही ले रहे हैं, रस्म अदायगी ही कर रहे हैं। इस सब के लिए मॉनिटरिंग सेल का गठन करना बहुत जरूरी है, जो डे टू डे मिनट टू मिनट की इंफॉर्मेशन अपडेट्स जिलाधिकारी को दे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास YouTube होगा, YouTube को खोलिए। YouTube में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है, लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं, जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे, आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।